अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है जी स्कर्दू, तो हमारा स्टे इस वक्त स्कर्दू में था। तो एक दो रातें हमने स्कर्दू में रुके हैं, तो अभी हमारी वापसी होने लगी है। तो हम आए थे जी देवसाई नेशनल पार्क की तरफ से, और इंशाल्लाह जाएंगे वापस कराकरम हाईवे की तरफ से। तो हमारी कोशिश होगी जितने से जितने ज़्यादा किलोमीटर हम तय कर सकें उतने करेंगे। तो हमारा अंदाज़ा है कि 300 से 500 किलोमीटर हम एक दिन में तय करें, ताकि दो दिन में हम घर तक पहुंच सकें। ये सामान वगैरह हमने सारा पैक कर लिया, तो अब इंशाल्लाह निकलने का कर रहे हैं तैयारी। तो फिर पहले नाश्ता करेंगे, तो फिर ही इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। सामान जी सारा बन चुका है, तो बाइक बाहर निकालेंगे, नमाज भाई निकालें। तो ये मेरी बाइक है, चलें जी। वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हो गया है। तो हमने बाइक्स की टैंक्स स्कर्दू से फिल करवा ली हैं, तो अब देखते हैं कहाँ तक पेट्रोल चलता है। तो जहाँ तक चलेगा वहाँ से करवा लेंगे। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है बाबूसर टॉप को हम क्रॉस कर जाएं। तो पहले हम आए थे देवसाई की तरफ से, तो अब जा रहे हैं दूसरे रास्ते की तरफ से। दूसरा रास्ता भी देखना था, और जो देवसाई का रास्ता है तो वो थोड़ा सा टूटा फूटा रास्ता है, और ये कारपेट रोड है सारी। तो यहाँ पर अच्छी स्पीड निकल जाएगी, और कोशिश है हमारी कि आज चलास स्थोर सारा क्रॉस करके बाबूसर टॉप भी क्रॉस करके फिर आगे हमारी कोशिश होगी बटा कुंडी या नारायण तक पहुंच सके। तो देखते हैं आज कहां तक पहुंच सकते हैं। तो सड़क तो काफ़ी कारपेट रोड है, तो कारपेट रोड को देख के तो मुझे अपनी स्पोर्ट्स बाइक बहुत याद आई। तो लेके तो मैं उसे आने जाता था, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं उसे लेके नहीं आ सका, जैसे कि देवसाई के रोड्स या श्रीपाई के रोड्स या फिर जो रामा ले का ट्रैक था, तो ऐसे ट्रैक से मैं वाकिफ नहीं था। तो अच्छा फैसला था कि मैं अब स्पोर्ट्स बाइक नहीं लेके आया। तो जो मेरा होंडा का 125 है, तो इसने भी काफ़ी साथ दिया है मेरा। तो अब आगे देखते हैं आगे कहां तक ये साथ देगा। तो पीछे तक स्कर्दू तक तो काफ़ी अच्छा चलता रहा, आगे देखते हैं कहां तक लेके जाता है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इस सीरीज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। आपका साथ भी बना रहा तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ट्रिप भी कुछ करेंगे, अगर साथ नहीं रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी हम थ्री माउंटेन जंक्शन है वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये उन्होंने बनाया है यहाँ पे थ्री माउंटेन का, तो मुझे अभी इतना इलम नहीं है, मेरे ख्याल से इधर होगा या थ्री माउंटेन का जंक्शन या ये थ्री माउंटेन है। एक दो तीन, एक दो तीन ऐसे है कुछ। तो ये है जी थ्री माउंटेन जंक्शन का व्यू। तो ये जगलोट गाँव है, इलाका है जी गिलगर का। तो यहाँ से थ्री माउंटेन जंक्शन है वो नज़र आती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया, काफ़ी अच्छा पॉइंट बना दिया हुआ है, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। तो ये पीछे आपको मैंने दिखा भी दिया है कि ये निशान, तो ये है जी हिमालया, और वो है जी कराकरम, और ये है जी हिंदूकश। तो ये तीन माउंटेन जहाँ पे मिलती हैं, तो उन्हें यहाँ पे पॉइंट बना दिया है थ्री पॉइंट माउंटेन जंक्शन का। Oh, oh, oh.
रात के 10 बज चुके हैं, तो हम पहुंचे हैं जी बेसल। तो यहाँ पे जी मून रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे स्टे किया है, खाना खाने के लगे हैं, तो ऑर्डर दे रही है। तो कोशिश है, साथ ही कैंपिंग का एरिया है, तो वहाँ पे कैंप लगा के रात इंशाल्लाह यहाँ पे गुजारेंगे, तो कल इंशाल्लाह निकलेंगे। बाहर जी सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने खाना खुना खा के रूम ले लिया है, तो रजाई लेके लेट गए हैं, रजाई निकी कर रहे हैं। तो ये हमें मिला है जी 1000 रुपये में जी, शटर का जो कमरा है बना हुआ है, इसके साथ अटैच बाथरूम नहीं है, सिर्फ चार्जिंग के लिए पोर्ट्स हैं और लाइट है बस। और ये रजाई मिली हमें, तो काफी गर्म रजाई है। तो आज हम पहुंच चुके थे बेसल। तो बेसल पहुंच चुके हैं, तो इंशाल्लाह कल कोशिश हमारी पूरी है कि सफर खत्म करेंगे। तो रात हमारा स्टे था जी बेसल में, तो ये जी वो जगह है, तो यहाँ पे ये तीन जो हैं, 1, 2, 3, 4 जो हैं, तो ये टीन के ये कमरे हैं, तो साथ भी टेंट लगे हुए हैं दूसरे। तो हमारा ये वाला कमरा था दूसरा, तो यहीं पे रुके हुए थे। तो अभी हम उठे हैं, तो इंशाल्लाह वापसी करने लगे हैं। तो हमारी तैयारी शैरी हो चुकी है, तो बैग शैग हमने बांध लिए हैं। मुआज भैया आज ठीक से बांध लेने थे बैग, तो कल मुआज भाई ने 5000 के जूते खरीदे थे, तो वो रास्ते में कहीं गिर गए हैं। तो मुआज भाई रात से सदमे में इसी में कि भाई जूते को गुम हो गए मेरे, तो हमने कहा कि मुआज भाई अब सामान जरा ध्यान से बांध लें, ताकि कोई और सामान आपका गिर जाए। तो अभी हम निकलने लगे हैं, तो हनी भाई भी बाइक तैयार करने लगे। हमारा खत्म हो चुका है, तो हमने इस कर्जों से रिफिल करवाया था, उसके बाद हमने रिफिल करवाया नहीं है। तो यहाँ पे बेसर क्रॉस करते ही मेरा पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है, टंकी खाली हो गई है, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी कोई नहीं है साथ। तो हनी भाई मदद करते हुए, तो वैसे बचत ये है कि उतराई है, तो बचत हो गई हमारी, नहीं तो चढ़ाई पे मुश्किल हो जा रही थी। पेट्रोल है? अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल दे दे। कितने पैसे?
यहाँ पे जी रुके थे, भाई को मदद चाहिए थी, गाड़ी ख़राब हो गई उनकी, तो वो कह रहे थे कोई चाबी वगैरह है, नट खोलना है, तो नट तो खुला नहीं है, तो हमने उन्हें मशवरा दिया कि वापस चले जाए, यहाँ आगे सामने कोई एक बाबरी गया, सामने पीछे कोई बाबरी अड्डा है, तो बड़े भाई पीछे बड़े भाई अड्डा है, तो वहाँ पर हमने कहा मिश्री बैठता है, तो वहाँ पर चले जाएँ, अब देखे क्या करते हैं, उन्हें जाना उन्होंने चाइना बॉर्डर था, वापसी जाएंगे। हम जी नाश्ते के लिए रुके हैं, तो हमारे पास बिस्किट पड़े थे, तो वो भी हम निकाल लिए, जाके साथ खाएंगे, और मुआज भाई काफी आगे निकल आए थे, तो नाश्ता हमने पीछे करना था, वैसे अभी जरेब के आगे निकल आए हैं, तो वहाँ से हम नाश्ता करने लगे, तो रास्ते में कुछ बाइकर नजर आए थे, मज़ा आ गया बाइकर्स को देख के, क्या उन्होंने किट की हुई थी, हनी भाई कह रहे हैं कि इन्होंने वैसी किट लेनी है इंशाल्लाह, तो देख रहे हैं इंशाल्लाह। अभी हम नतिया गली पहुंच चुके हैं, मैं और हना भाई जो मुआज भाई थे, तो वो अड्डा पास से सीधा रावलपिंडी की तरफ चले गए, तो हम आ गए जी नतिया गली की तरफ, यहाँ से होते हैं मरीगंज से होते हैं, तो फिर हम रावलपिंडी जाएंगे और वहां से जाएंगे इंशाल्लाह अपने घर। आज हम रावलपिंडी पहुंच चुके थे, तो अताब भाई हमारे यहाँ पे, तो इनके घर हमने स्टे किया था, तो अभी ये गाड़ी निकालने लगे और हमें नाश्ते के लिए लेके जाने लगे हैं, तो देख कह रहे थे जगह चले, तो अभी हमें मालूम नहीं है कि कौन सी जगह यहाँ पे फेमस है, तो देखते हैं जो अच्छी जगह होगी वहाँ रुके नाश्ता करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह वापसी अपने घर की तरफ रवाना होंगे।
अभी जी हम जी राहत कैफे में आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए, और चने और निहारी का हमने ऑर्डर दे दिया और साग पराठे के साथ। आते हैं चेक करते हैं कैसा जाएगा इनका। तो भाई साहब ने ऐसे ही खड़ी कर दी थी रात अताब के घर पार्किंग में, तो सामान हमने खोला नहीं है, तो अभी ऐसे ही निकाल के इंशाल्लाह अगला सफर जारी करते हैं। हम पहुंच चुके हैं माना वाला, तो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला रह गया है, तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए। तो लाला मूसा में जाके ना थोड़ा सा बाइक से गिर गया हूँ, और इतनी ज़्यादा चोटें नहीं आई, थोड़ी सी बस, ये देख सही ऐसी चोटें आई हैं बस, अल्लाह के शुक्र है बचत हो गई है। तो इंशाल्लाह घर जाके फिर सदका वगैरह भी देते हैं। कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से घर पहुंच गया हूं। तो अगर आपको ये मेरे एपिसोड पसंद आए हैं, ये सीरीज़ पसंद आई है, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को करें लाइक, इसे करें अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो आपके यहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी थोड़ी सी मोटिवेशन बने। इतनी मेहनत की है आपके लिए। अगर आपको बाकी में पसंद आई तो वीडियो को लाइक किया करें, अगर नहीं पसंद आई तो फिर भी कमेंट किया करेंगे कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं पसंद आई, ताकि मैं उस चीज़ को बेहतर कर सकूं। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है रेगुलर व्लॉग आते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।